कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। अब तो आ जा। हमारा रोशन मामा किसे पुकार रहा है? अरे मामा ने तो मामी को ही पुकारना होगा कन्नी। हाँ, आप तो रोज रोज नई नई ड्रेसा सिलवाने लगे हो। सिलवाते मेरे चाहने वाले, मैं तो सिर्फ पहनता हूँ। चाहने वाले के वाली? चाहने वाली सिलवा कर देने लगे, इस कोशिश में ही तो मैं रोज मांग मांग कर बढ़िया कपड़े पहनता हूँ। चाहने वाली कौन सी? वो राजकुमारी? Our Highness राज राजेश्वरी। इतनी मोटी है क्या? मोटी नहीं, अकड़ के चलती है। हाय, मेरे को बड़ा शौक चल रहा है राजकुमारी को देखने का, मेरे को भी ले चलो ना। तुम्हें वहाँ क्या करना है? इस तरह अकड़ के आई आफत की नानी, मैंने उसे पिन चुभानी, आवाज आनी पिस पिस। पिन तूने उसे नहीं, मामे को चुभो देनी है। किस तरह? मामे को मामा कहकर। अरे मामा तो वहाँ प्रिंस रिपुदमन सिंह बना बैठा है। छोटा मामा कहता है कि आप तो लड़की के खातिर कुछ भी बन सकते हो। आहो जी। बंदर भी? आहो जी, बशर्ते बंदरी मालदार हो। सुना एक मालदार बंगालिन भी थी। उसका बाप थोड़ा गोलमाल कर गया इन वक्त पर। क्या गोलमाल कर गया? माल गोल कर गया। माल वापस कर दे तो? तो बंगालन वापस तेरी मामी की पोस्ट की कैंडिडेट हो जानी है। और हाय राजकुमारी बेचारी, वो भी कैंडिडेट रहनी है। फिर इंटरव्यू लेके देखने कि किसके पास ज्यादा माल है। बंगालन के पास कितना माल है ये तो आपको अच्छी तरह मालूम होना है, आप तो उसके यहाँ काम करते थे। पैसा उसके पास नहीं, उसके बाप के पास है, और अगर उसने मेरे से शादी कर ली तो उसके बाप ने उसको पैसे नहीं देना। सुना उस बेचारी ने आपके मारे घर छोड़ दिया। अरे अगर वो बेचारी ना होती और मेरे मारे घर ना छोड़ती तो मैंने उसके मारे अब तक घर छोड़ देना था, मगर वो तो बाप की बेटी की जगह माँ की बेटी बनी बैठी है, और माँ से मुझे क्या मिलना सिवाय संगीत के, वो तो मेरे पास पहले ही बहुत है। अच्छा, तो आप पास जा रहे हो या उसे यहाँ बुला रहे हो? याद दिलाने वास्ते शुक्रिया। वतन की राह पर मेरे ख्याल तो जो आपको निवेदिता की माँ से संगीत मिल जाए दहेज में तो बुरा नहीं है। अच्छा, ओए चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। वतन की शहीद हो। थक गई? हाँ माँ, काम तो मैं बाबा के होटल में भी करती थी, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही बोझ मालूम पड़ता है। वहाँ तो मालकिन थी और यहाँ एक मामूली सी मैनेजर है, और फिर ये भी तो है ना कि मेरे साथ रहने में तुझे वो सब सुख सुविधा कहाँ मिलती है जो तेरे बाबा के घर में थी। चाय बनाओ तेरे लिए। ना माँ, मैं बना लेती हूँ, और सुख सुविधा की किसी रकम तकलीफ मुझे यहाँ नहीं है। तेरे बाबा का फिर फोन आया था। क्या बोले? बोले कैसी माँ हो, बेटी की भली रीत देखभाल भी नहीं कर सकती, आज ऑफिस में उसे चक्कर आ गया था। हर बात बता देते हैं उनके जासूस। मुझे तो कोई नहीं बताता, तू भी नहीं? कुछ हो तो बताओ माँ, एक पल को सिर चकरा गया था बस। रात रात जागी रहेगी तो और क्या होगा, आज चलना मेरे साथ डॉक्टर बाबू के पास। माँ उन्होंने कहा है कि कोई रोग नहीं है। उन्होंने तो बोला दुख का रोग है। दुख भी नहीं है माँ, सच। होना तो नहीं चाहिए मगर है। भूल जा उस रोशनलाल को जो सिर्फ पैसे के लिए तेरे पीछे पड़ा हुआ था। ऐसा होता तो वो चेक नहीं लौटाते, हो सकता है मेरे भले के लिए ही उन्होंने। इसे कहते हैं प्रेम में अंधा होना। तुम भी बाबा की तरह ताने मार रही हो माँ। हो सकता है मिस्टर रोशनलाल सचमुच लोभी हो, लेकिन
उस बात का मुझे इतना दुख नहीं है जितना इस बात का है कि बाबा ने सारा जोर उन्हें लोभी साबित करने पर लगा दिया। मुझे दुख है कि मेरे दुख से बाबा को सुख मिला है, अपार संतोष हुआ मानो। मैं ताना नहीं दे रही, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी जीवन की धुरी किसी और को मत बना, चाहे वो बाबा हो या रोशनलाल हो। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। अपनी मंजिल की ओर अपनी पांव बढ़, नहीं तो इसी तरह लोग तुझे जीवन भर घसीटते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। हेलो, हाँ वो आ गई है, अभी देती हूँ। तेरे बाबा का है। अरे बात करने में क्यों डरती है, ले। हेलो, नहीं बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको किसने गलत बता दिया? नहीं, मुझे यहाँ किसी तरह की तकलीफ नहीं है। वो तो नहीं हो सकता, ना वो भी नहीं। क्या हुआ? कहते हैं वापस आ जा मेरे पास रहने के लिए, वो भी नहीं तो इस समय मिलने आ जा। मिलने तो चली जा, देख जब तू उनके पास रहती थी तो वो भेजते थे ना तुझे मेरे पास। कैसा अजीब लगेगा, तू मेरे साथ है और वहाँ नहीं जा रही। जाकर ताने ही सुनने को मिलेंगे। यही बुनिया। अरे निवेदिता, अकेली आई? मैं भी बार बार भूल जाता हूँ कि वो रोशनलाल तो तुझे छोड़ गया। तूने मुझे अकेला किया, उसने तुझे। बार बार यही सब कहने को बुलाते हो बाबा? तेरे मुंह से बाबा सुनने के लिए बुलाता हूँ। किंतु मैं जब भी आती हूँ आप। बोल क्या शिकायत है तुझे? कुछ नहीं, बस रोशनलाल के बारे में बात ना किया करें। मैं तो बस तेरी बात करना चाहता हूँ निवेदिता, और यही पूछता हूँ कि जब वो धन का लोभी तुझे छोड़कर चला गया तब तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं लौट रही है, हैं? क्यों सजा दे रही है अपने को, अपने बाबा को? आप फिर वही बात करने लगे बाबा। नहीं, तू क्या चाहती है? अपनी विरासत? वकील मसाई को बुलाऊं, सब कुछ अभी कर दूं तेरे नाम, तब वापस आएगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने पांव खड़ी हूँ। अपनी कुलटा माँ की तरह वहां तुम माँ बेटी इस आशा में बैठे रहोगे कि बुढ़ा बीमार है, शराबी है, जल्दी ही मर जाएगा, भावुक है, इसलिए सब कुछ बेटी के नाम छोड़ जाएगा। बाबा इस तरह की बातें करके अपने को नीचा मत गिराइए। तेरे लिए तो मैं इस पतित रोशनलाल से भी जास्ती पतित हूँ। सुन निवेदिता, तू अगर सोचती है कि बाबा के मरने के बाद तुझे जब जायदाद मिलेगी तब उस लंपट से तू शादी कर सकेगी तो ये बात भूल जा, मैं तेरे नाम कानी कौड़ी नहीं छोड़ूंगा। प्रणाम बाबा, इसी सब की वजह से मैं यहां नहीं आती है। तू इसलिए नहीं आती है निवेदिता कि तुझे मजा मिलता है मुझे सजा देने में। तेरा बाप तड़प रहा है मगर उस कमीने को कुछ नहीं हुआ है जिसने मुझको तुझसे दूर कर दिया है और तुझे भी दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया है। वो गुलछरे उड़ा रहे क्लबों होटलों में। ये जो कुछ जमा नहीं, असल में मैं आज कुछ ऑफ मूड हूँ। हाँ मैंने भी कुछ गौर किया, क्या बात है राज? अगले महीने मेरे फ्रांस जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। क्यों? जिन अंकल के साथ मैं जाने वाली थी वो गुजर गए। How sad. हम तो नहीं मरे, हमारे साथ चली चलना। फ्रांस में कहाँ चलेंगे, पेरिस? वैसे मैं रिवियरा पे रहना पसंद करता हूँ।
हाउ लवली, मैं तो पिछले साल मोनाको भी गई थी। मैं तो आप वहां था, मैंने अपनी यॉट पे जो पार्टी दी थी उसमें सारे ही टॉप लोग आए थे। आप कहां रहे थे? अच्छा अच्छा, वो पार्टी आपने दी थी जिसमें जिसमें काउंट माधव नंगे नाच गए। काउंट बॉर्न ऑफ बॉर्न ऑफ। मैं उस वक्त लंदन गई हुई थी। आप लंदन नहीं आए? लंदन बहुत डर लगता है मुझे। I totally agree. दरअसल हर हाइनेस ने बहुत जोर देकर बुलाया था, इसलिए मैं वहां चली गई। फिर चार दिन वहां रहकर फौरन वियना चली गई थी। वियना तो मैं भी गया था मोनाको से। पता नहीं आपको कैसे मिस कर गया। आइंदा भी करेंगे क्या मिस? आइंदा कुछ ऐसे करूंगा जिससे इस दिलचस्प मिस को मिस करने की नौबत ही नहीं आए। राज, एक और दिलचस्प मिस, वो जो प्रिंस प्रिंस करके है ना, उसकी कजिन है। इससे ऑटोग्राफ जमा करने का शौक है। आपके ऑटोग्राफ लेने वास्ते आई है। इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं भी कोई हस्ती हूँ? इसे ये तो मालूम है कि मैं हस्तियों के साथ ही बैठता हूँ। ऑटोग्राफ कर दीजिए। पर मेरे पास कागज नहीं है। किसी नोट पर कर दीजिए। कोई छोटा नोट नहीं है। शायद मेरे पास होगा, शायद। ओह, यू आर लकी। है इस पर करता हूँ। जॉनी पेन। यस। नाम क्या है लड़की का? कनक। थैंक यू। इसे लेकर जाओ चाट खा। मेरे को मिलना है। लेकिन मेरे को नहीं मिलाना। अगर तेरे मुंह से कुछ गलत सलत निकल गया तो मामा का बना बनाया काम बिगड़ जाना है, और काम बिगड़ गया तो फिर तेरे को मामी के महलों में रहने का मौका नहीं ना मिलना है। मैं शुक्रिया तो बोल लूं? अंग्रेजी में बोलना, पंजाबी में नहीं। थैंक्स बोलने आई है। थैंक यू जी, मैडम जी। वेरी चार्मिंग गर्ल। राजकुमारी जी, मैंने तो आपका फोटोग्राफ भी लेना है। फोटोग्राफ तो इस समय नहीं है। आप भिजवा देना मामा। मामा? मामा, माता जी, इनकी माता जी आ गए हैं। तब जल्दी भाग और डांटे तो मेरा नाम लेना, कहना कि मैं ले आया था। आप फोटोग्राफ घर भिजवा देना इनके साथ। टाटा। टाटा। ये आपके साथ रहती है? सर्वेंट क्वार्टर्स में। एक छोटी सी शिकायत है आपसे, आपने अपनी कोठी नहीं दिखाई कभी। असल में वो उसमें मरम्मत का काम चल रहा है। कुल चार कमरों में हम सब ठूसे पड़े हैं, और बदतर ये कि मेरी नाभा वाली बहन अपने बच्चों को लेकर आ गई। इतने शरारती हैं कि हाय तौबा, मैं तो कई कई दिन आजकल घर जाता ही नहीं। वैसे शिकायत तो हमें आपसे है, आपने भी तो अपनी इनवाइट नहीं किया। वो असल में क्या है कि हिज हाइनेस को, आई मीन मेरे फादर को, दिल्ली बिल्कुल रास नहीं आता था, इसलिए उन्होंने यहाँ की सारी प्रॉपर्टी छोटे चाचा जी को दे दी थी। वो यहाँ का करते भी क्या, वो हम सबको लेकर यूरोप में रहते थे। अब मैं ढूंढ रही हूँ दिल्ली में कोई मकान अपने लिए। फिलहाल आप कहीं तो रहती होंगी? हर हाइनेस के एक फ्रेंड के साथ, लेकिन वो जगह ऐसी नहीं है कि आप जैसे शाही मेहमान को वहाँ दावत दे सकें। यही बुनियाद।
अरे वो रज्जू की बच्ची, तूने कहा था शाम को किराया दूंगी, तो अभी तक तेरी शाम नहीं हुई। मौसी तूने तो मुझे डरा ही दिया। यहाँ ठंड में काहे बैठी है धन्नो? मौसी भीतर जाके बैठना, तेरा तो अपना ही घर है। और तू क्या समझती है कि तेरे बाप का घर है? आजकल करते करते 6 महीने हो गए, तू मेरी सहेली पार्वती की बेटी है, इसका मतलब ये नहीं कि मुफ्त में रहे, मुफ्त में खाए और उधार पैसे मुझे से मांगे। मैं सब कुछ सूद समेत चुका दूंगी मौसी। अच्छा, और ये मत भूल कि मेरी शादी हो जाएगी तो तू भी मेरे साथ महलों में रहेगी। आज ही मैंने प्रिंस रिपुदमन को तेरे बारे में बताया तो कहने लगे कोई बात नहीं, मौसी को भी अपने साथ ले आना, खास महल में हम रह लेंगे, छोटा महल उनको दे देंगे। अरे हट ना, तू मेरी सहेली की बेटी ना होती ना तो तेरा जान मार देती मैं, चक्कर बाजू। I'm sorry. Are you fine? Fine. Bastard. Honored. Izzat afzai ka shukriya. Raj. आप कहाँ थे इतने दिन? इंग्लैंड से कुछ मेहमान आ गए थे, उन्हें भरतपुर जयपुर घुमाने ले गया था। मुझे भी ले जाते ना? आपको तो पेरिस ले जाने, बल्कि हॉलीवुड चले चलने इस बारे में। ये मिस्टर सेनगुप्ता आपको जानते हैं क्या? होटल खोलना चाहते थे मेरे महल में, इस सिलसिले में मिले थे एक बारी। आदमी बहुत घटिया है। ये लड़की, तुम मिस्टर सेनगुप्ता, आपका फोन लगा दिया है। आप भी नहीं जानती हो? हमारा भी महल खरीदने आया था और बातें ऐसी करने लगा जैसे मुझे खरीदने आया हूँ। पापा आप मुझे बार बार परेशान क्यों करते हैं? बेटी मैं मर रहा हूँ, आज डॉक्टर मुझे बोले शेष हो जाएगा सब शीघ्र ही, मरते हुए बाबा की बात भी नहीं सुनेगी निवेदिता। पापा क्लब में आकर मैं क्या करूंगी? रोशनलाल प्रिंसेस भुवनेश्वरी के दासी के साथ क्लब में बैठे हैं तो बैठे रहे। मैं उसे देखने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि उससे चला तक नहीं जा रहा। क्लब में जब ही नशा ज्यादा हो जाता था मैं इंतजार करता था कि तू आएगी और मुझे ले जाएगी, आज भी कर रहा हूँ, मर रहा हूँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कोई खास परेशानी तो नहीं है, असल में मेरे अंकल के गुजर जाने से सब कुछ अपसेट हो गया और हाइनेस पैसा उन्हीं की मार्फत भिजवाती थी। जब आपने उनको चिट्ठी डाल दी है तो उन्होंने कोई ना कोई अरेंजमेंट तो कर ही देना है। हाँ वो तो ठीक है रोशन, पर फिलहाल आपकी जेब में 1,000-2,000 तो पड़ी होंगी, उतने ही दे दीजिए। इतनी जल्दी क्या है, मैंने आपके लिए पूरे 10,000 का इंतजाम कर देना है। इस समय पेट ढक जरूरत आ पड़ी है, जो एक उधार में रखना नहीं चाहती, बहुत गंदे से लोग हैं। कौन है उनका नाम मेरे को बताओ। छोड़ो, वैसे तो उसी के एक फ्रेंड से मुझे लेने हैं 3,000 रुपए। वंडरफुल, फ्रेंड का नाम बताओ, मैंने उसी से वसूल कर लेना। छोड़ो रोशन। क्यों छोड़ो, मेरे ही काम आ जाने। मैं मुसीबत में और आपको मजाक सूझ रहा है। ऑलराइट, फिलहाल इसी से काम चला लो, जेब में ज्यादा रख के चलता नहीं हूँ, जेब का तो बहुत डर लगता है मुझे। इससे ज्यादा तो मेरे ही पर्स में पड़े होंगे। मिला मुलू के काम चला। निवेदिता जी नमस्कार। नमस्कार, मैं आपका तारुफ इनसे कराऊं, ये है आप। इनका परिचय कराने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ ये प्रिंसेस भुवनेश्वरी। मिस सेन गुप्ता, आपके बाबा की तबीयत बहुत खराब है, आप आइए मेरे साथ। पर रोशन ये लो, इसे क्या होगा? के साथ रहती हो
मेरी रोशन की दावत कर देना, ओके? Not bad. मेरा अब बच सकना मुश्किल है बेटी. मैंने वकील मशाय को सारे कागजात दस्तखत करके दे दिए. अब तुझे ही संभालना है सब कुछ. आप ही संभालेंगे बाबा, आप ठीक हो जाएंगे. शादी जरूर कर लेना, शुभेंदु अच्छा लड़का है. नहीं तो और किसी से, तेरी पिशी माँ के पास कई रिश्ते. मुझे शादी नहीं करनी बाबा. अगर उस बदमाश रोशनलाल से करनी हो तो उसी से ही कर लेना बाबा. नर्स, नर्स. ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया. रोशन मामा, आपकी बंगालन का फोटो छपा है अखबार में, होटल की मालकिन हो गई है. अब तो आप मेरे को वही लंच डिनर कराना. इधर होटल है उधर महल, तेरा मामा कहाँ जाए. मगर महल का रुतबा होटल से बड़ा होता है. प्रिंस को बबली के पास भेजो और उसे कहो कि जेबी के ऊपर केस चलाने को राजी करवा ले उसे. किस बात का केस? अभी ये तो जब उसे मिलोगे तब खुद ही पता लग जाएगा. श्यामलाल जी, गुस्ताखी माफ, कोई बात बनी नहीं.